मध्य प्रदेश के उज्जैन के कालीघाट स्थित कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़कालिका के नाम से जाना जाता है। देवियों में कालिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। गढ़ नामक स्थान पर होने के कारण गढ़कालिका हो गया है। और जानते हैं इस मंदिर की तीन चमत्कारिक बातें। पहला, तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। मंदिर के कुछ अंश का जीर्णोद्वार 606 ईसा पूर्व के लगभग सम्राट श्री हर्ष ने करवाया था। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराज ने इसका पुनः निर्माण कराया। कालिका जी के इस स्थान पर गोपाल मंदिर से सीधे यहाँ जाया जा सकता है। दूसरा, उज्जैन में दो शक्तिपीठ माने गए हैं, पहला हर सिद्धि माता और दूसरा गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर माँ भगवती सती के ओष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हर सिद्धि का मंदिर वहाँ स्थित है, जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। तीसरा, लिंग पुराण में कथा है कि जिस समय रामचंद्र जी युद्ध में विजयी होकर अयोध्या जा रहे थे, वे रुद्र सागर तट के निकट ठहरे थे। इसी रात्रि को भगवती काली का भक्ष की शोध में निकली हुई इधर आ पहुंची और हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु हनुमान ने महान भीषण रूप धारण कर लिया। तब देवी वहां से चली गई। जाते समय अंश गालित होकर पड़ गया। जो अंश पड़ा रह गया वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात है। इसी मंदिर के निकट लगा हुआ स्थिर गणेश का प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। इसी प्रकार गणेश मंदिर के सामने भी एक हनुमान मंदिर प्राचीन है। वहीं विष्णु की सुंदर चतुर्मुख प्रतिमा है। खेत के बीच में गोरे भैरव का स्थान भी प्राचीन है। गणेश जी के निकट ही थोड़ी दूर पर शिप्रा की पुनीत धारा बह रही है। इस घाट पर अनेक सती की मूर्तियां हैं। उज्जैन में जो सतिया हुई है उनका स्मारक स्थापित है। नदी के उस पर उखरेश्वर नामक प्रसिद्ध शमशान स्थली है। मंदिर के आगे जाने पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ का समाधि स्थल भी है। वैभव दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वैभव दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वैभव दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वैभव दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वैभव दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉग इन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा, जिनके जवाब वैभव दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाए। साथ साथ वैभव दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा। वैभव दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।